हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं वेस्ट बंगाल से बहुत ही ज्यादा दूर झारखंड में आ चुका हूं, और झारखंड की सबसे अच्छी बातें क्या होती है? पहाड़, पेड़, पौधे और आदिवासी माहौल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, झारखंड से ही तो कोयला निकलती है। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को स्किप करके ना देखे। तो चलिए, आज का सफर यहाँ से शुरुआत होता है। ये जो आप पूरा पूरी वर्चुअल जंगल देख रहे हैं, ये पूरा वर्चुअल जंगल में अर्जुन का पेड़ है, और अर्जुन का पेड़ में रेशम की खेती होती है। यहाँ के लोकल आदमी से बात करके हमें पता चला जो ये पूरा एरिया आज से लगभग 5 साल पहले बनाया गया था यहाँ के लोकल आदिवासी के लिए। लोकल आदिवासी लोग यहाँ पे रेशम की खेती करते हैं, और आप देख सकते हैं कितने भीमकाय विशाल रूप से यहाँ पे पूरा का पूरा पेड़ लगाया गया है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ काजू का पेड़ है, और यही सारे पेड़ पौधे देखने के लिए तो हम लोग वेस्ट बंगाल से झारखंड आए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कंपोस्ट खाद यहीं से बनाया जाता है, यहीं से सारे पेड़ों में दिया जाता है। हम लोग निकले थे तो कोल माइंस देखने के लिए, लेकिन ये सारे चीज हम लोग मिस कैसे कर सकते हैं। और झारखंड मतलब यही हरियाली और यही जंगल। बोल रहे आप लोग यहीं पर रहते हैं क्या? बोला आप लोग यहीं पे रहते हैं क्या? बोलते ये पूरा बगान रेशम का खेती होता ना यहाँ पे, पूरा बगान खेती होता है। तो आप लोग यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं ना? करते हैं। कितना साल पुराना हो गया ये? 87 का है। कितना साल? 87 में लगा ये पौधा। 1987। वाह। और मतलब साल में आप लोग कब सीजन कब आता है यहाँ? तीन बार होता है साल तीन, में। तीन सेकंड थर्ड करो, तीन हाँ। तीन करो होता है। अरे ऐसे आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम फुलेश्वर राय। फुलेश्वर राय, आप ही यहाँ का संरक्षण में है, देखभाल करते हैं? आठ दस को किसान मिल के आप लोग ये करते ना। चलिए, कितना एकड़ में ही फैला हुआ है? 5 एकड़। 5 एकड़ ना, बढ़िया। तो ये किसान भाई से हमको पता चला ये पूरे 5 एकड़ में फैली हुई है, और मैंने सोचा था 5-6 साल पहले ये किया गया है, लेकिन मैं उसको खंडन करता हूँ। ये 1987 से ये पूरा का पूरा बगान लगा हुआ है, और इन लोग को रोजी रोटी मिलता है यहाँ से ना। जून से स्टार्ट होगा, जून में तितली बन के निकलेगा फिर पास। हाँ, तितली बन के। हाँ, एक 250 अंडा मतलब किसमें? ये सब पेड़ में इसी तरह कहाँ? ये ककून है, ये वाला ना। वो तो फिर गेट नहीं है, मर गया है। वो मर गया है। जिंदा कौन सा ककून है? वो चला गया बिजागर में, सब वहाँ ऑफिस में जमा हो गया है। ओ, वहाँ गर्नेज है, 4 गो गर्नेज है। और इस तरह बांस माले है, बांस। हाँ, 6 इंच के दूरी में माला है, 100 माला बोलता है, 100 माला होता है। हाँ, वही गोटी है, वो जो है वो ऊपर में देख रहे हैं वही है ना। इसी तरह बनता है रेशम, उसी से रेशम। वो जो है उतनी बन के निकल जाएगा। हाँ, उसी कुछ बिजागर में रहेगा। हाँ, वो नारा मादा होता है, वो कपलिंग होता है, फिर हाँ, हम लोग 2 बजे के बाद छुड़ाते हैं। हाँ, अंडा को छुड़ाने के बाद नेट में सफाई करते हैं साबुन से। हाँ, सफाई करने के बाद जो है उसको ऊपर सूखने देते हैं, फिर वजन होता है। नजदीक वाला आगे जमा। हाँ, आइए। हाँ, का, हाँ हाँ हाँ, ये ककून है। तोड़ेगा? नहीं, नहीं, नहीं।
हाँ तो तोड़ दिया यहाँ से तितली निकल गया है यही तितली को ये निकल गया है ना ये है पीपा ये पीपा था ये पीपा से तितली का रूप बना और अपना समय में निकल जाता है निकलने के बाद नर्मदा दोनों निकलता है एक वो मैं जैसे कौन ये जैसे है ये नर था आप लोग देख के समझ जाते हैं कौन सा नर है कौन सा मादा है वाला जो जैसे काला रहेगा ना वही होता है ये नर हाँ और जो कम रहता है छोटापन तो ये तो रेशम हो गया क्या हाँ यही तो रेशम है इसका बॉयल होता है ओह इसका बॉयल करने के बाद इनको केमिकल मिलता है देखिए रेशम देखिए ये रॉ मटेरियल है ये रॉ मटेरियल रेशम है इसको घुमाइए ना तो देखिए बन रहा है देखिए ये रेशम बन रहा है ये हो गया 12 को लगाइए 10 को लगाइए इसको रेली में सब लगता है ना हाँ तो जैसे इसका एक धागा उसका एक धागा निकालते हैं बस इसको रेली में से चलते रहा अब निकलते निकलते रॉ रेशम। आज सच में झारखंड आके हम लोगों को नॉलेज मिल रहा है और झारखंड हम लोग का आना इसीलिए सार्थक हो रहा है। सुनो ना रेशम का धागा रक्षाबंधन में इसी का धागा देता है अच्छा कुछ कहाँ पाएगा वो कहाँ पाएगा यही ओरिजिनल चीज है धागा है तो यही है रेशम का धागा होना चाहिए रक्षाबंधन हम तो रेशम मिलता कहाँ बहुत कॉस्टली है ये अब देखिए कितना मजबूत हो गया ये जलता नहीं है ये जलेगा नहीं नहीं माचिस मारने से जलेगा नहीं और दूसरी बात है ये हम लोगों को आज गिफ्ट में भैया ने दिया ये दो रेशम के सुताता भी नहीं है हाँ और इसका जो ये बनता ना अंगूठी में पार हो जाता है ना कपड़ा एकदम पूरा अंगूठी में पार हो जाएगा आप लोग का और इतना माने एको साड़ी जो ना इतना बड़ा हो गया इतना बड़ा इतना बड़ा में एक साड़ी हो जाएगा ये पॉकेट में चला जाएगा ये साड़ी हाँ एक मुट्ठी हो गया आप यहाँ पे कितने साल से काम कर रहे हैं 17 साल से काम कर रहे हैं 17 साल से अच्छा तौरानिक भाषा की रोंगे हले की हाँ हम लोग का फटा भाषा है अच्छा चल एक बार बोली ले छिए की दिक्कत छे तो भाई से आज को हम लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज मिला पहले तो हम लोग सोचे थे बाहर से ही चल जाएंगे लेकिन भाई ने हमें बताया कि आप लोग को दिखाता हूँ रेशम का किस तरीके से क्या रेशम बनाया जाता है और क्या होता है ककुन तो भाई ने हम लोगों को दिखाया तो इससे और ज्यादा खुशी मिला और ये हम लोग का गिफ्ट रहा ना हाँ और भाई ने ये दो हम लोगों को गिफ्ट दिया रेशम अच्छा मोटा मोटी कितना लेबर लोगों को ये मिलता है यहाँ काम मिलता है मोटा मोटी इसमें तो जो है काम बहाली अभी तक नहीं हुआ नहीं नहीं बहाली नहीं तो पर भी अगर जैसे कोई काम करता है तो साल में कितना आदमी को मजदूरी मिल जाता है मोटा मोटी यहाँ पर यहाँ पहले बहुत सस्ता है 60 आदमी को परमानेंट मजदूरी मिलता था परमानेंट नहीं था पहले अभी भी नहीं हुआ है सब परमानेंट एक दो को ही हुआ है बाकी गिफ्ट कर गया थे तो मतलब यहाँ पे जितना भी आदमी काम करता मतलब रोजगार मिलता है यहाँ से ना रोजगार मिलता है 60 आदमी को सालाना रोजगार अच्छा तरह से मिल जाता है नौकरी नहीं है परमानेंट नौकरी नहीं है लेकिन जब भी ये ककुन होता है पेड़ पौधा का देखभाल के लिए ये सारे चीजों के लिए आपका रोजगार मिल जाता है और यहाँ पे खाद कौन सा खाद किस तरीके का खाद है कंपोस्ट फार्मिंग तो हम लोग दिखाए वहाँ पे कंपोस्ट फार्मिंग वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती ऑर्गेनिक खेती ही चलता है ना इनऑर्गेनिक कुछ भी नहीं सबसे पुराना वो टोपी वाला हाँ वो 87 से काम कर रहा है आप सुने 1987 से यहीं पे हैं बहुत दिन से ना शुरुआत से आप हैं यहीं पर वाह तब तभी का माहौल और अभी का माहौल में क्या अंतर दिख रहा है अंतर बहुत हुआ बहुत हुआ ना
और आपके आपका और उम्र का कोई है यहाँ पे? कोई नहीं, आप ही हैं ना। टोपी तो पहनाइएगा हमको। देखे पहन के देखे ना, कोई दिक्कत नहीं। दादाजी ने मुझे टोपी भी पहना दिया। देखिए इन लोग का हंसी देखिए। सबसे प्यारी चीज होती है अगर आप झारखंड में आते हैं ना, तो झारखंड के लोग, ये लोग इतने अच्छे होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, जो इन लोग से बात करके आप लोगों को पता चलेगा जो यहाँ की सादगी क्या है। तो आप लोग रेशम का कपड़ा नहीं पहनते हैं? क्यों नहीं पहनते हैं? लोग नहीं खरीद पाएंगे इतना महंगा चीज। तो आप लोग उपजाते हैं, आप लोग करते हैं, आप लोग नहीं पहनते हैं? उपजाते हैं तो हम नहीं पहन पाते हैं इस रेशम का। यही है सबसे बड़ी दुखद चीज, मजबूरी और मजबूरी। ये लोग उगाते हैं, ये लोग पहन उगाते हैं, बनाते हैं, फार्मिंग करते हैं, लेकिन पहनते नहीं है। पहनते नहीं, पहनने का मैंने उधर से यही है कि पैसा नहीं है। हमारी महंगा चीज है। तो आप लोग यहाँ पे फार्मिंग करते तो आप लोग को नहीं दिया जाता एक भी कपड़ा? हाँ, जो मजदूरी है वही दे, और बाकी सारा कपड़ा बाहर चले जाता है। सब बाहर। इसको दिया था ना फूलो, तेतुर को दिया था ना तोलिया, रेशम का छोटा जैसे था तोलिया। आप लोगों को साड़ी नहीं देता है? रुमाल दिया होगा ना, तोलिया। विदाई हो गया लोग का तो उस टाइम दिया था। जिंदगी भर ये रेशम का खेती करने के बाद ये लोग को एक साड़ी भी रेशम का नसीब नहीं होता है। धूप में कौन पहनने जा रहा? धूप में कौन? लेकिन शौक से तो, शौक से तो पहन सकते हैं ना। शौक में भी नहीं पहनते ये वाला साड़ी। क्यों? कितनी सादगी है देखिए, कितनी सादगी है, और कितने प्यारे लोग हैं। रेशम का कीमत का भी इन लोगों को पता नहीं है। ये लोग बोलते कौन पहनेगा रेशम का साड़ी, बहुत हल्का होता है। धट नेता सब पहनता है, नेता सब पहनता ना। आप लोग नेता नहीं है? नहीं है, इसलिए लेबर है, इसलिए लेबर है, इसलिए नहीं पहनते हैं। नेता क्या पहनेगा, पैसा ऊपर। चलिए आज रेशम की खेती देखते देखते हमें ये भी बात पता चली, जो खेती करते हैं उससे की पहनने का नसीब नहीं। चलिए और भी सब कुछ देखते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे ये पेड़ के नीचे, अर्जुन का पेड़ के नीचे आपको कभी भी इनऑर्गेनिक खाद नहीं दिखेगी, हमेशा ऑर्गेनिक खाद। ये जो खाद है ये कंपोस्ट, देख रहे हैं, गोबर, गोबर ना, सिर्फ गोबर। देखिए ये 6 फीट होने के बाद ना इस पौधे को काट दिया जाता है, इस पौधे को काट दिया जाता है, उसके बाद फिर इसमें कंपोस्ट देके इसको फिर से इस हरा भरा होता है ये, फिर कुछ महीने बाद इस तरीके की पेड़ हो जाएगी। फिर इसमें ये ककून आएंगे, ककून बनाएंगे, बहुत सारा मेहनत लगेगा, फार्मिंग होगा इसके बाद। तो झारखंड में सबसे पहले हम लोगों ने देखा, घुसते ही देखा ये ककून की खेती, मतलब रेशम की खेती। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आगे भी। हम लोगों का कोल माइंस, हम लोगों को कोल माइंस जाना है, उसके बीच में हम लोगों को और क्या क्या मिलता है, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कुछ देर इधर घूमने के बाद अब चलते हैं यहां से हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन। चलिए आते चाची, आते चाचा, आते चाचा, जोहार। इतना बड़ा नर्सरी है ये तो है, ये तो झारखंड में तो शुरुआत है। यहाँ इतना ज्यादा नर्सरी और इतना ज्यादा गरीब उत्थान, आदिवासी उत्थान के लिए इतना चीज है।
कि सरकार करती है। क्या हो गया, रुके का है? गाड़ी धुआं मार रहा, देखे क्या हो गया अचानक से? अरे अच्छा जगह वो है।